तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद बिल्लाल और आप देख रहे हैं आई टेक क्लाउड। आज हम आपके लिए लेके आए आईफोन एक्स और उसके साथ आपको ये लेके आए बोको की तरफ से बोको X3। और इस दोनों में हम आपको पबजी खेल के दिखाएंगे यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है आईफोन में, आईफोन एक्स में, और जो है यहाँ पर आपको बोको X3 में जो है कैसा पबजी एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों में एक साथ पबजी को रन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आपको जो है पबजी किस में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है और जो है आपको यहाँ पर कौन सा फ़ोन पहले पबजी ऑन करता है। तो यहाँ पर हम अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 8 GB रैम देखने को मिलता है 120 रिफ्रेश रेट के साथ, 128 GB रैम के साथ, और आपको एक IPS पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 720G देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 60Hz का पैनल देखने को मिलता है AMOLED पैनल के साथ, और उसके अलावा जो है आपको थोड़ी सी छोटी स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको 3GB रैम देखने को मिलता है और उसके अलावा 256GB वेरिएंट हमारे पास मौजूद है, और एप्पल की तरफ से एप्पल बायोनिक A12 देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा पोको X3 पहले खुल चुका है और जो है आईफोन थोड़ा सा डिले करते हुए थोड़ा सा पीछे रह गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आईफोन एक्स में खेल के दिखाएंगे आपको पबजी और आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम अगर इसके ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है स्मूथ पर एक्सट्रीम देखने को मिलता है, बैलेंस पर अल्ट्रा, HD पर भी अल्ट्रा और HDR पर भी अल्ट्रा। स्मूथ पर आप जो है आपको मैक्सिमम जो है 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, और जो है अगर स्मूथ से ऊपर आप जाएंगे तो आपको जो है 40 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हो चुका है हमारा गेम स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको जो है कैसा गेम एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी लैग इशू देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा हीटिंग इश्यूज देखने को जरूर मिलते हैं, पर उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है परफॉर्मेंस में कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता और कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अगले फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको जो है पोको X3 में कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पर हम आपको जैसा कि दिखा चुके हैं कि यहाँ पर आपको स्मूथ पर जो है 40 FPS मैक्सिमम आप खेल सकते हैं। यहाँ पर हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट, यहाँ पर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है IPS पैनल के साथ, और यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है जिसकी वजह से आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आप X3 की तरफ जा सकते हैं। Let's go.
यहाँ पर हमारा नेट बहुत ही जो है टट्टी चल रहा है, जिसको बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल टट्टी के, उसकी वजह से। अगर इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको हीटिंग इशूज तो ज़रूर देखने को मिलते हैं, और उसके अलावा आपको गेमिंग में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद पर्सनली इस मोबाइल में गेमिंग कर चुका हूँ, और यहाँ पर आपको जो है ग्राफिक्स की वजह से जो है गेमिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलते, और उसके अलावा आपके यहाँ पर बड़ी स्क्रीन है। अगर ओवरऑल इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर आप जो है इन दोनों में गेमिंग मैंने खेली हुई है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो है इन दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिलता है वो है स्क्रीन साइज़। आप बिल्कुल देख सकते हैं दोनों का स्क्रीन साइज, और अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आप पोको X3 की तरफ जा सकते हैं, आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो आप पोको X3 की तरफ जा सकते हैं, और आपको जो है बहुत ही बड़े गेमिंग सेशंस खेलने हैं, ज़्यादा गेमिंग करनी है तो आप पोको X3 की तरफ जा सकते हैं। अगर आईफोन की बात करें तो यहाँ पर आपको छोटी गेमिंग देखने को मिलती है, छोटे गेमिंग सेशंस देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। जितनी भी आप गेमिंग खेलेंगे आपको बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अगर हीट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है साइमल्टेनियसली दोनों जो है सेम हीट जो है इशू देखने को मिलता है, दोनों में आपको हीटिंग इश्यूज फेस कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला वो ये है कि यहाँ पर आपको जो अगर आपको पोको X3 में कोई भी हीटिंग इश्यूज या थोड़ा ज़्यादा हीट होगा तो यहाँ पर आपको लैग देखने को नहीं मिलता, पर अगर यहाँ लैग देखने को मिलता है, पर अगर आप इसी तरफ जो है आईफोन की बात करें तो यहाँ पर आपको जितना भी हीट हो आईफोन लैग नहीं होता। आईफोन की सबसे अच्छी बात यही है जो आपको यहाँ पर हीट की वजह से आपको जो है लैग इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल जो है ओपिनियन की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं होता तो यहाँ पर छोटे सेशंस के साथ और यहाँ पर आईफोन X की तरफ जाता, क्योंकि यहाँ पर आपको लैग इश्यूज देखने को नहीं मिलते, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।